नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम ने अपना पोस्टपेड का वापस से चालू कर दिया है। अब पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा यहां पर। तो प्लीज़ एक बार मेरे को यहां पर आप कमेंट करके बता दीजिए आपको अगर कोई परेशानी हो। हालांकि एक भाई का प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है कि उनका पेटीएम में फ्रॉड हुआ था, तो भाई उनको मैं मदद करूंगा लॉकडाउन खुलने के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि पेटीएम का ऑफिस खुला नहीं है तो मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ अभी, इस वजह से कुछ कर नहीं सकता हूँ। हालांकि मैं आपकी मदद करूँगा भाई, आप पूरा धैर्य बनाए रखें। 4 महीने आपने बात बताया है तो थोड़ा दिन और धैर्य बनाए रखिए, आपका निकलवा दूंगा पैसे। अब मैं यहाँ आज वीडियो शुरू करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में बता दूँ कि पेटीएम ने, हालांकि एक वीक होने आने वाला है अभी, पेटीएम पोस्टपेड वापस से चालू कर दिया, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब चीज़ें और प्लस एक और चीज़ और एक और सर्विस मिलेगा यहाँ पर कि आप पेटीएम के जो पोस्टपेड है उसको आप अपने उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मर्चेंट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको आज यहाँ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। हो सकता है कभी आपको ब्लैंक दिखे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरा पूरा एक बार मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना है। कई लोग यहाँ सब्सक्राइब तो किए, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया, तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और प्लीज़ एक और चीज़ और बता दूँ, लाइव आने वाला हूँ मैं, तो आप लोग मुझे बताइए टाइमिंग कब रखूँ, शाम के 4 बजे, 5 बजे या फिर दोपहर का 3 बजे। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार दीजिएगा यहाँ पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेटीएम में आ जाना है यहाँ पर। अब कभी आपको ब्लैंक भी दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैं एक बार मैं अपना जो है दूसरा पेटीएम लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट से, तो मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये पेटीएम ओपन कर चुका हूँ। यहाँ मैं पासबुक पे आ जाता हूँ। मेरा पास जो पहले से लिमिट यहाँ पे शो कर रहा है वो 750 रुपये शो कर रहा है। हो सकता है आपको ब्लैंक दिख रहा हो, तो मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर के बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ तो हो सकता है आपको दिख भी जाएगा। सो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ फटाफट आपको उसे, और आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेटीएम पोस्टपेड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग पेटीएम के अंदर, और पेटीएम के अंदर आने के बाद हम लोग रिचार्ज के ऊपर ऑप्शन पे आ जाएंगे, रिचार्ज पोस्टपेड पेटीएम ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे ना, तो इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा, मैं 750 रुपये यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे यहाँ पर वो कर देता हूँ। हालाँकि ये कुछ कुछ मोबाइल रिचार्जेस में प्रॉब्लम्स में आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए नीचे आऊँगा यहाँ पे, तो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे इसमें यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको। अब ये चीज़ आपको पहले नहीं देखने को मिल रहा था, सो मैं इसको अभी पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि तो आप देख सकते हो पोस्टपेड बिल में आप इसको पेमेंट कर सकते हो। अब दूसरे और भी चीज़ों के लिए आप मर्चेंट को कैसे पे कर सकते हो, तो मर्चेंट पे करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मैं मर्चेंट मेरे किस में चालू है उसमें से आपको मैं पे करके बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दूसरे मोबाइल से मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा, मैंने पेटीएम ओपन कर लिया, और इसको मैं यहाँ से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से अपने QR कोड पर जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, और हो सकता है आपको ब्लैंक भी दिख रहा हो, लेकिन मैं अभी मैं यहाँ पर जो है मैं लाइव प्रूफ में दिखा सकता हूँ आपको मैं पेमेंट करने के बाद। और ये रहा, मैंने इसको पेमेंट के लिए चूज़ किया, लेकिन इसमें जो है अभी पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सामने वाले मर्चेंट को अपने उसमें चूज़ करना पड़ता है कि वो भाई पेमेंट कर सकते हो या नहीं। तो इसमें जो है आप अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूँ कि पेटीएम की तरफ से ये सर्विस पोस्टपेड वाला चालू कर दिया गया है। अब आपने, मैंने लाइव दिखाया मैंने आपको, अब उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखा सकता भाई। सो आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एक बार, सो आपको मैं सॉल्व कर सकूँ। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट लेने के लिए, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, बात कर सकते हैं अपने लाइव। तो ठीक है, और बाद में और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।